जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज के इस चमत्कारी क्लास में हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर मींस रूट अंडर निकालना है नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, और वो भी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेगा वो भी हमारा क्या डेसिमल वैल्यू रहेगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, विद इन सेकेंड हम लोग सॉल्व करने वाले बच्चों। तो हम लोग क्या करें, सेशन को फुल देखिए, पहले सेशन को फुल देखिएगा, लॉजिक आपको पूरा समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, मान लेते हैं कि रेट इज 0.16 है, इसका वैल्यू क्या था, डेट इज 0.4 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, परफेक्ट अगर है ये वाला तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, मान लेते हैं सपोज एक क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लेते हैं आपको 29 का रूट अंडर निकालना है। तो ये 29 आपका एक डेट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दिस इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अब इस तो डेसिमल में कैसे दिया जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज 0.29 सपोज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेट इज इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, डेसिमल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, डेट इज 0.29 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल को हटा करके क्या लिख सकते हैं, डेट इज 100 लिख सकते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 को रूट अंडर से बाहर निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा हमारा सीधा, और इंटू क्या हो रहा है, डेट इज रूट अंडर 29। अब बेसिकली बात करें 29 का वैल्यू निकालना है, मीन्स रूट अंडर 29 का निकालने का तरीका क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से देखना है सेशन को, बेसिकली आप ध्यान से देखिएगा, एक एक लॉजिक आपको समझ आएगा, ठीक है। तो मींस बोलना चाह रहे हैं कि रूट अंडर 29 का वैल्यू क्या होगा, इसका पहले निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/10 से, तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका लॉजिक क्या होगा ना, पहले क्या करिए, आप ऐसा नंबर ढूंढिए, मीन्स ऐसा नंबर ढूंढिए जो कि नियर टू 29 है, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो वो तो आपको पता ही होगा, डेट इज 25 है, 25 हमारा एक नियरेस्ट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिस किसके करीब है, डेट इज 29 के करीब है। अब क्या करना, लॉजिक हमारा कहता है कि पहले नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल लीजिए। अब क्या करिए, इसका वैल्यू कितना, 25 का अगर रूट अंडर निकालिए कितना हो, 5 होगा। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस हमेशा यहाँ प्लस करने के बाद डिफरेंस निकालिए, प्लस करने के बाद क्या करिए, डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस हमारा क्या होता है, 4 होता है। यहाँ पे हमेशा जो ऊपर लिखाएगा वो डिफरेंस लिखाएगा, वो हमेशा क्या लिखाएगा, डिफरेंस नंबर लिखाएगा, ठीक है, बिटवीन 29 एंड 25। ओ, समझ आ चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 जो नंबर रहेगा, यहाँ 2 हमेशा फिक्स रहेगा, तो लॉजिक में बता रहा हूँ, ठीक है। और इनटू हो जाएगा यहाँ पे जो 5 दिया हुआ है, तो यही वाला 5 उतार के आप यहाँ पे लिख दिए 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आराम से हम लोग यहाँ जब इसको 2 से 2 कट कर जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रेडी से 5 + 2/5 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा आ जाता है 5 कितना हो जाएगा, रेडी से 0.2, यही ना हो जाएगा जी, 0.4 होगा, सॉरी 2/5 को जब डिवाइड करिएगा तो 0.4 होता है, ठीक है, ओके। अब क्या हो जाता है, अब इसका वैल्यू बेसिकली क्या हो रहा है, डेट इज इसका वैल्यू आप देखिएगा बच्चा, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा डेट इज 0.4 कितना होगा। अब 0.4 को इसके साथ ऐड करिएगा तो आपका कितना निकलेगा, डेट इज निकलेगा, डेट इज 5.4 निकलेगा, ओके। क्या निकल रहा है, डेट इज 5.4। तो रूट अंडर 29 का वैल्यू, अप्रोक्स वैल्यू हमारा कितना है, अप्रोक्स वैल्यू हमारा गया 5.4। अब अगेन इसको क्या, इसका वैल्यू तो निकल चुका आपका, तो 5.4 यहाँ लिख दिएगा, डिवाइड बाय 10 करिएगा तो अप्रोक्स वैल्यू आपका आ जाता है, डेट इज कितना, अप्रोक्स वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज 0.54 होगा, कितना हो जाएगा, डेट इज 0.54। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे निकालना है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ बच्चा, मान लो डेसिमल वैल्यू में दिया रहे, ये जो आपका डेसिमल वैल्यू में दिया है, ठीक है, ये आपका डेसिमल वैल्यू दे दिया है। तो डेसिमल वैल्यू को पहले क्या करिए, इसको पहले एक डेसिमल को हटा करके अपने 10 के फॉर्म में ला लीजिए, ठीक है, इस फॉर्म में। और अब आपको पास बस यही निकालना है, रूट अंडर 25 का वैल्यू निकालना है। रूट अंडर 25 का वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका होगा कि डिफरेंस निकालना, मीन्स पहले नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि आपका निकल चुका है 25, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, डेट इज 4। तो 4 आप 5 यहाँ लिखिएगा, 5 कैसे लिखा है, डेट इज 525 का, डेट इज रूट अंडर करिएगा 5 आ जाएगा। ये 4 कहाँ से आया, डेट इज डिफरेंस बिटवीन 29 एंड 25। 2 हमेशा हमारा फिक्स रहेगा लॉजिक में, और 5 कहाँ से आया, डेट इज यहाँ पे 5 है, यही वाला 5 हमारा यहाँ पे लिख जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा आंसर आ जाता है, डेट इज अप्रॉक्स वैल्यू 5.4 आ जाता है, ठीक है। अब डिवाइड बाई 10 है तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 0.54। चलिए इसको कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं कि हमारा अप्रॉक्स वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं रूट अंडर हमारा कितना, डेट इज 0.2 कितना है, 29 ना। तो आप देख सकते हैं हमारा वैल्यू जो आया है कैलकुलेटर में कितना आया है। अब ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कितना दिख रहा होगा, डेट इज
रूट अंडर 0.29 आपका देख रहा हो, जेट 0.538 मीन 0.54 आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लॉजिक को यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन मान लेते हैं। सपोज रूट अंडर 0.5 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या, पहले डेसिमल को हटाइए, तो यहाँ 10 है, तो ये भी तो रूट अंडर 10 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं ना, जीरो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा करने से क्या फायदा होगा ना, 1/10 हमारा ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा, और रूट अंडर 50 का वैल्यू आपको बेसिकली निकालना है। मीन्स अब आपको क्या करना है, रूट अंडर 50 का वैल्यू ही निकालना है। तो रूट अंडर 50 का वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, इसका नियरेस्ट क्या करना है, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। क्या करना है, दैट इज नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, दैट इज 49 हो जाएगा। अब लॉजिक क्या कहता है, दैट इज इसका क्या करना है आपको, दैट इज 49 का पर रूट अंडर करिएगा तो 7 आ जाएगा। डिफरेंस कितना, 50 और 49 का डिफरेंस कितना, दैट इज 1 आ गया। तो आपको याद है कि 1 हमारा क्या करते थे, ऊपर लिखते थे, और 2 हमेशा फिक्स होता था, और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 हो जाता था। ये याद आ रहा होगी, दैट इज 7 हो जाएगा प्लस 1/14 हो गया। अब इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा आंसर आ जाता है, दैट इज कितना आ जाता है, दैट इज 7. कितना हो जाता है, दैट इज प्लस 0.7 ही लमसम में आता है। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है। मीन्स मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर 0.07 हो जाएगा ना, मीन्स यहाँ पे बात हो रही 1/14 को करिएगा तो अप्रोक्स वैल्यू 0.07 आएगा। ठीक है, अब क्या करिए, इसको जोड़िएगा तो कितना, डेट इज 7.07 आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आया हमारा, डेट इज रूट अंडर 50 का वैल्यू हमारा आ गया, डेट इज 0.7707। ठीक है, और डिवाइड बाई 10 हो गया, तो अगेन हमारा कितना रेट है, 0.707। ये आपका आंसर हो गया किसका, रेट इज रूट अंडर 0.5 का। चलो इसको देख लेते हैं कि हमारा आंसर सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करके देखते हैं। तो रूट अंडर हमारा हो जाएगा रेट इज 0.50। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना आंसर आ रहा है, आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ रहा है अप्रॉक्स वैल्यू 0.707। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ये जो लॉजिक हम बता रहे हैं, इस लॉजिक को आप आसानी से यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करिए अच्छे से, और मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन, चार क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका अप्रोक्स वैल्यू निकालना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, अप्रोक्स वैल्यू निकालना है। और प्लीज सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।